Well, India plays England in the T20 World Cup 2024's second semi-final in Guyana, the Province Stadium. इस मैच पर सबकी नजरें हैं, लेकिन मैच से ज्यादा सबकी नजरें ऊपर इस टाइम है वेदर को लेके, क्योंकि जो वेदर है, वेदर प्रिडिक्शन है उस दिन की, दैट इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल. काफी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, सबने अपनी वेदर ऐप्स खोल ली है. और वेस्ट इंडीज यूजली ऐसी जगह है जहाँ पर काफी बारिश होती है और सबका ध्यान होता है कि यार कोई इंपॉर्टेंट मैच कहीं बारिश के कारण रद्द ना हो जाए. एंड दैट इज द एग्जैक्ट सेम थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इन गुयाना, बिकॉज इट लुक्स लाइक इट माइट बी अ वॉश आउट विद द अमाउंट ऑफ रेन दैट इज प्रिडिक्टेड ऑन दैट डे. थंडरस्टॉर्म्स है June 25-26, that is today, yesterday and today, there is already a prediction of rain, कि आज कल भी रेन हुई, आज भी रेन होगी. एंड June 27, that is the day of the semi-final, जो कल दोनों semi-finals खेले जाएंगे, उसमें जो गुयाना में इंडिया वर्सेज इंग्लैंड खेला जाएगा, उसकी जो prediction है वो ये है कि there will be rain showers in the morning with thunderstorms developing in the afternoon. So this is a clear indication that there is a very high chance that the rain might play a big part in the match and the match can get washed out. अब अगर मैच नहीं हुआ, बारिश के कारण रद्द हो गया, तो सेमीफाइनल कौन जीतेगा और फाइनल में कौन जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है जो अभी तक पूछा जा रहा है. बहुत कंफ्यूजन होती है इस चीज को लेकर, लेकिन क्रिकेट नेक्स्ट आ गया है, सारी एक्सप्लेनेशन लेके सारा क्लियर आपको बता दिया जाएगा कि क्या होगा अगर तो बारिश होती है गुयाना में सेकंड सेमीफाइनल बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, तो इंडिया ऑटोमेटिकली ये मैच जीतकर फाइनल में चला जाएगा. आई नो इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल द इंडियन फैंस एंड यू आर रियली हैप्पी with the fact, and काफी fans कहेंगे we don't even want to know the reason, अगर India जीत के final में जा रहा है, it's really good, but I'll explain you why India will win the match automatically and go into the finals and not England, because India ने अपना group stage टॉप किया था, group stage super eights उन्होंने अपने दोनों groups को टॉप किया था, whereas England वी ऑल नो जो ग्रुप स्टेज में वो लास्ट मोमेंट पे उन्होंने क्वालिफाई किया है, जिस तरीके से उन्होंने क्वालिफाई किया, एक टाइम पे उनका स्पॉट भी वो थोड़ा प्रॉब्लम में था, लेकिन इंडिया क्योंकि देवर द टॉपर्स ऑफ द टेबल बोथ इन ग्रुप स्टेज एंड ऑब्वियसली सुपर एट एज वेल, सो दे विल ऑटोमेटिकली गो इन टू द फाइनल्स, वेयर एज इंग्लैंड जिन्होंने जो सेकेंड नंबर पे आए थे, तो टेबल ग्रुप टेबल पे नीचे होने के कारण इंडिया विल विन द सेमीफाइनल, अगर मैच रद्द होता है तो इंडिया विल गो अहेड इनटू द फाइनल्स ऑफ द T20 वर्ल्ड कप 2024. नाउ इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल द फैंस, फॉर ऑल द इंडियन फैंस स्पेशली, बट एज फैंस आई नो एज क्रिकेट फैंस वी ऑल वॉन्ट टू सी द एक्शन, वी ऑल वॉन्ट टू सी the game happening on the field, India versus England. Last T20 World Cup में भी semi-final हुआ था, which England won by 10 wickets, बहुत बड़े margin से उन्होंने हमें हराया था. And this time India, Indian fans are waiting for that revenge. But it looks like के बारिश थोड़ा major role play कर सकती है, but we'll have to wait and see क्या होता है. अगर तो match होता है, well and good, we'll get to see some action and both the teams will fight it out for that final spot. जो June 29 को फाइनल खेला जाएगा वर्ल्ड कप का, बट इफ इट रेन्स आउट, वेल इंडिया इज गोइंग इनटू द फाइनल्स बिकॉज दे हैव टॉप देयर ग्रुप स्टेज एंड सुपर एट. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.